आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ कुछ परेशानी लिखी है, समूह में परेशानी, मीटिंग नहीं आती। समूह में कुछ एक ऐसी दीदी है जो मीटिंग ही नहीं आती है। हम तो हर बार सही समय पे मीटिंग जाते हैं, लेकिन एक दीदी इतनी ढीठ है कि वो मीटिंग ही नहीं आती है। अब क्या करें? हमें तो घर से भी गाली सुननी पड़ती है कि ये तो नहीं जाती, लेकिन तुम तो बार बार मीटिंग जाते हो। एक समस्या इस प्रकार की। दूसरी समस्या है ऋण वापस नहीं करती। अब दीदी ने समूह से तो ऋण लिया है ना, उनको जरूरत थी तो समूह ने उनको ऋण भी दे दिया, लेकिन वो जो है हर बार देना नहीं चाहती, वो हर बार बहाने बनाती है, ऋण वापस नहीं करती है। दूसरा इस प्रकार की परेशानी हो सकती है। तीसरा है दीदी झगड़ालू। अगर किसी भी समूह में ऐसी दीदी है जो बहुत झगड़े करती है, परेशान करके रखा है समूह में सभी को, तो इस झगड़ालू दीदी से हम कैसे छुटकारा पाएं, है ना, इस प्रकार का। अगला है अध्यक्ष सचिव किसी की भी नहीं सुनते। यहाँ पे अध्यक्ष एक ऐसा अध्यक्ष है जैसे कि वो पूरा नेता बन चुका है, किसी की सुनते ही नहीं है। बस हमें तो बस ये फाइनल कर रही हूँ तो कर रही हूँ, इस तरह का उनका रवैया रहता है। सचिव भी मनमानी करता है। तो अब हम परेशान हो चुके हैं इस सचिव से, अब हम परेशान हो गए अध्यक्ष से कि क्या करें अब इनका। तो ऐसी समस्या को आप किस तरह से समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा बुरी आदतें। अब कुछ एक समूह में ऐसी दीदी हैं जिनकी इतनी बुरी आदतें, इतनी एक समूह बनाया है, माने कि एक परिवार बनाया है, लेकिन यहाँ अगर कुछ दीदी परिवार समझ के अपनी बातें बताती है तो कुछ गंदी आदत वाले, बुरी आदतें वाली दीदी उस बात को इधर की उधर फैलाती है और समूह में झगड़ा होता है, समूह में परेशानी होती है। तो इस प्रकार से अगर किसी के भी समूह में ऐसी परेशानी आ रही है तो ऐसे परेशानी का वो किस तरह से हल निकालें, आज मैं आपको इस विषय में जानकारी देती हूँ कि अगर आपके समूह में ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं, परेशानी है हमारे समूह में। मैं समूह छोड़ना चाहती हूँ, मैं समूह से परेशान हूँ, दीदी मुझे परेशान करती है, सचिव मुझे, अध्यक्ष हमें डराता है, परेशान करता है, या फिर कोई दीदी ऋण लेकर वापस नहीं करती है। इस तरह की समस्याएं हैं हमारे समूह में। हमें कई फ़ोन आते हैं तो कोई हमें मैसेज करके पूछते हैं कि हम ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो मैं आपको यहाँ पे समूह बनाने से पहले आपको एक फॉर्म दिया गया था कि आप समूह बनाने से पहले इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ें और फिर हस्ताक्षर करें। जितने भी समूह बने हैं आज तक उन्होंने इस फॉर्म में सिग्नेचर किया है और यहाँ कुछ नियम वो समूह के नियम वो शर्तें लिखी गई हैं। तो मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये क्या है नियम वो शर्तें। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह के पंच सूत्र कि हम सब इस पांच सूत्र का पालन करेंगे। इसके अलावा समूह के कुछ नियम व शर्तें हैं, जाने पहली शर्त क्या है। स्वयं सहायता समूह में एक परिवार से एक से अधिक सदस्य नहीं हो सकते तथा स्वयं सहायता समूह का सदस्य दूसरे स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं बन सकता। दूसरा, समूह में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ालू व गलत कार्य करने वाले सदस्यों को समूह से निकालने का सर्वसहमति से अधिकार होगा। मीटिंग निश्चित समय पर पहुंचना होगा। कुछ एक समूह के सदस्य ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि समूह में अगर झगड़ालू दीदी है तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि समूह में अगर ऐसी महिला है, ऐसी दीदी है जो परेशान कर रही है, तो पूरा समूह मिलकर उस महिला को समूह से बाहर कर सकता है। उसके लिए एक प्रस्ताव लिखा जाता है, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो प्रस्ताव किस तरह से निकालें। तो आपने देख लिया कि आपका शर्त नंबर दो क्या है कि समूह में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ालू व गलत कार्य करने वाले सदस्यों को समूह से निकालने का सर्वसम्मति से अधिकार होगा। मीटिंग निश्चित समय पर पहुंचना होगा। तो आपकी दूसरी शर्त क्या है, जैसे कि यहाँ है दीदी झगड़ालू है, अध्यक्ष सचिव मनमानी करता है,
इन इन कंडीशनों में आप क्या करोगे कि समूह के सभी सदस्य, जितने भी जो सदस्य हैं, सभी मिलकर क्या तय कर सकते हो कि जो दीदी लड़ाई करती है, झगड़ालू है, परेशान करती है, एक समूह को परेशान करके रखा है, झगड़ा करती है, तो सभी जो है ना ये तय कर सकते हैं कि इस दीदी की वजह से सारे समूह को परेशानी है, इसीलिए हम सब एक प्रस्ताव लिखेंगे और उस प्रस्ताव में ये मेंशन करेंगे कि इस दीदी की वजह से पूरे समूह को परेशानी हो रही है। अगर सारे सहमत है और प्रस्ताव पास होता है तो आसानी से इस दीदी को आप अपने झगड़ालू दीदी को समूह से बाहर कर सकते हैं। ये हमारी शर्त है, ये जो है यहाँ शर्त में लिखा गया है। उसके अलावा नंबर तीसरी शर्त है, यदि समूह का कोई भी सदस्य बिना कारण से समूह छोड़ता है तो उसकी बचत राशि नहीं लौटाई जाएगी। तो जो समूह में हम मासिक बचत करते हैं, उस समूह बनाने के बाद अगर बिना वजह समूह छोड़ना चाहता है तो पूरे समूह के सदस्य ये तय कर सकते हैं कि बिना कारणवश समूह छोड़ रही है तो हम इनकी बचत वापस नहीं करेंगे। शर्त नंबर चार है, समूह का सदस्य बिना कारण से बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो उस सदस्य से दंड के रूप में 10 रुपए प्रतिमाह वसूल किया जाएगा। मीटिंग नहीं आती, ये हमारी प्रॉब्लम थी ना, समूह में परेशानी थी कि हम तो हर बार मीटिंग जाते हैं लेकिन एक दीदी मीटिंग नहीं आती। तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, बिना कारण से अगर नहीं आते हैं तो उनको आप दंड लगा सकते हैं। पूरा समूह तय करें कि अब हम ये बार बार नहीं आती है मीटिंग में तो हम इनसे दंड लगा लें। यदि कोई सदस्य ऋण राशि समय पर नहीं लौटाता है या आनाकानी करता है तो समूह के अन्य सदस्य यह हक रखेंगे कि उसके घर से उस राशि के लायक कोई वस्तु उठा कर लाए। अब हमारी अगली दूसरी परेशानी क्या थी कि ऋण वापस नहीं करती। अब ऐसी दीदी है जो उन्होंने मजबूरी में ऋण तो ले लिया लेकिन वह वापस नहीं करती है, आनाकानी करते रहती है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, जितना उन्होंने ऋण ले रखा है ना उस राशि के लायक कोई भी वस्तु उठा कर लाएंगे। ये यहाँ पे शर्त नंबर 5 में साफ साफ लिखा है कि जो दीदी इस तरह से ऋण वापस नहीं करती हैं तो समूह ये तय करेंगे कि हम उनके घर चलते हैं, 2000 रुपए नहीं दे रही है तो 2000 के लायक उनकी कोई भी वस्तु उठाकर ला सकते हैं। ऐसी सूरत में आप अगर ऋण वापस नहीं कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। आंतरिक ऋण व बैंक लोन लेने के बाद किसी के साथ कोई घटना एवं दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में उस सदस्य के घर के अन्य महिला सदस्य को जोड़ा जाएगा तथा लेन देन की जिम्मेदारी भी उसी घर के सदस्यों की होगी। तो ये है हमारे कुछ शर्तें, समूह के नियम व शर्तें हैं। इसके बावजूद भी आपके समूह में इस प्रकार की परेशानियां आती है तो आप इस परेशानियों का समाधान कैसे करेंगे, तो आप लगभग इस नियम और शर्त को पढ़कर समझ चुके होंगे। इसके अलावा बुरी आदतें वाली, बुरी आदतें भी सेम वही हैं जो झगड़ालू है, जो समूह में परेशान करती हैं, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं कि सारा समूह मिलकर ये तय करें कि ये दीदी से हम बहुत दुखी हो चुके हैं, ये दीदी ने सबको परेशान करके रखा है। तो आज की प्रस्ताव में ये पारित किया जाता है कि ये जो झगड़ालू दीदी है इसको हम अपने समूह से बाहर करते हैं। अन्य सभी सदस्य सहमति करके, सभी की सहमति से, ऐसा नहीं कि एक अध्यक्ष और सचिव ही चाहते हैं कि इसको बाहर निकालें, हमें ये सदस्य नहीं चाहिए, वो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। सभी सदस्य की अगर मंजूरी होगी तो तभी ही हम इस प्रकार की महिला को अपने समूह से बाहर कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रस्ताव लिखना है, अध्यक्ष या सचिव किसी की नहीं सुनते, तो आप इस प्रकार से परेशान हो कि हमारा अध्यक्ष किसी का सुनता नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में भी सेम यही कर सकते हैं, एक प्रस्ताव लिखो कि हम इस अध्यक्ष से इस प्रकार से परेशान हो और सभी की सहमति होगी, सभी का सिग्नेचर होगा, तो आप इन अध्यक्ष को भी बाहर कर सकते हो, सचिव को भी बाहर कर सकते हो, या फिर समूह के अन्य सदस्यों को भी एक प्रस्ताव लिखकर
सभी की सहमति से किसी को भी आप बाहर कर सकते हो। लेकिन किसी भी दीदी को समूह से बाहर करने से पहले उन्हें बार बार समझाएं, पूरा समूह कोशिश करें उनको समझाने की, उनसे कहें कि दीदी आपकी वजह से समूह में दिक्कत है, आप समय रहते समझ जाओ, ऐसा ना हो कि आपकी ढीठपंती की वजह से आपको इस समूह से हम सब मिलकर बाहर कर दें। कोशिश करें उनको अच्छे से समझाने की, फिर भी नहीं मानती हैं तो आप सभी समूह के सदस्य मिलकर प्रस्ताव लिखें, बैठक करें और फिर प्रस्ताव लिखें। उस प्रस्ताव में ये मेंशन करें कि हमने इस दीदी को बार बार समझाया फिर भी वह नहीं मानती हैं, उनकी बेकार आदतों की वजह से हम इन्हें समूह से बाहर करते हैं। इस तरह आप प्रस्ताव लिखें और सभी उस प्रस्ताव में हस्ताक्षर करें। याद रहे कि जो प्रस्ताव आप पारित कर रहे हो, लिख रहे हो, उसमें सभी की सर्वसहमति होना अनिवार्य है, सभी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, तभी आप किसी भी दीदी जो समूह में दिक्कत पैदा कर रही हैं, परेशानियां तैयार कर रही हैं, आसानी से समूह से बाहर कर सकते हो। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।